नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज सुबह सुबह हरियाणा रोडवेज अंबाला डिपो के कर्मचारी वर्कशॉप में हड़ताल पर बैठ गए और कामकाज ठप कर दिया। कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अंबाला डिपो में जितनी बसें हैं वो टाटा कंपनी की है, जबकि यहां पर भिवानी डिपो से पुरानी अशोक लेलैंड की बसें शिफ्ट की गई हैं और उनके बदले नई बसें अंबाला डिपो से भिवानी डिपो और एनसीआर में देने का प्रशासन ने फैसला लिया है, जिसका वह विरोध करते हैं। कर्मचारी संघ के प्रधान रविंदर सिंह का कहना है कि अगर सरकार की ओर से हमारी बात नहीं मानी गई तो हम वर्कशॉप का गेट बंद करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का विचार करेंगे। अंबाला से हमारे संवाददाता पंकज भाटिया की रिपोर्ट। प्रधान रविंद्र सिंह, हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ 1342, जो ये 3 दिन से मसला चल रहा है, जो सरकार ने बिना बात के हमारे जो अंबाला में यथास्थिति अच्छी तरीके से सारा डिपो का संचालन हो रहा था उसको खराब करने के लिए, ये पता नहीं ये किसके पीछे इसका किसका हाथ है, कौन इसको करना चाह रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास नई बसें, मुश्किल से बसें मिली थी हमारे को, हमारा डिपो अब तक पुराने फ्लीट में ही चल रहा था, बाकियों के पास नई बसें थी। क्या था, हमारे पास ले लैंड की बसें थी 10-11 और जो भिवानी डिपो था वो है ले लैंड, 16 गाड़ियाँ थी हमारे पास में। वो तो उन्होंने बीच में एक आवाज़ आई थी, 1.5-2 साल पहले की बात है, कि हमारे को जो ले लैंड की बसें हैं वो ले लैंड में जाने दो भिवानी में। तो हमारी सभी, इन्होंने अपनी रजामंदी से, किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया था, उन गाड़ियों को उनके यथास्थान पे भिवानी में बाइज्जत वहाँ पर छोड़ के आए थे। हमारे को कोई परेशानी नहीं हुई है। जब हमारा ये टाटा का डिपो है हमारा ये, तो जब हमारे पास नई गाड़ी आई, अभी हमारी गाड़ियों को चलते हुए 2-3 साल हुए हैं, तो हमारी गाड़ियों पर अन्य डिपुओं की नज़र कैसे लगने लगी? वो हमारे से हमारी नई गाड़ियाँ लेके हमारे को पुरानी गाड़ियाँ देना चाह रहे हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जिसकी जो उनकी एज थी वो 3-4 महीने बची हुई है, किसी की 1.5 साल ऐसा कुछ बची हुई है। तो क्या हमारा जो डिपो है वो पुरानी गाड़ियों को कंडम कराने के लिए डिपो रखा गया है, या तो इस अंबाला डिपो को पुराना गाड़ियों का कंडम डिपो घोषित कर दिया जाए कि जो पूरे हरियाणा की जितनी भी गाड़ियाँ कंडम है वो अंबाला में जाएंगी और अंबाला के कर्मचारी इनमें मेहनत करेंगे और इसमें जाके कंडम कराएंगे, वो उनका काम ही है। ना उनसे किलोमीटर लिया जाए, ना उनसे रसीट ली जाए, उनसे बोला जाए कि जैसे ये चलती हैं बुढ़ापे में वैसे अपना बुढ़ापा तुम जवानी काटो इनके साथ में और अपना काम चलाओ। तो जो जनता परेशान होगी तो हमारा अंबाला परेशान होगा, हमारा जो एरिया है, जो हमारे बच्चे हैं जो ITI वगैरह में जहाँ भी जैसे जाते आते हैं, हमारी जो छात्राएँ हैं, हमारे पास जब साधन अच्छा नहीं होगा तो हम उनको सुविधा कैसे देंगे? अभी सारी बसें रैली में चली गई, क्यों चली गई? हमारे यहाँ से भी जो हमारे पास अच्छी बसें थी, कल फिर हमारे से बसें मांगने लगेंगे तो कौन गाड़ी लेकर जाएगा, पुरानी गाड़ियाँ लेके? तो जो स्थिति जैसे बनी हुई है पहले, उस स्थिति को वैसे बना रहने दो। अंबाला डिपो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से काम करने वाला और हमेशा संघर्ष करने वाला डिपो रहा है। इसने हमेशा अपनी जो लड़ाई है अपने विभाग के लिए और अपने कर्मचारियों हित के लिए लड़ी है। हम प्रशासन को सही तरीके से और अपने संचालन को अच्छे तरीके से करने के प्रयास में है। हमारी सिर्फ एक ही छोटी सी मांग है सिर्फ कर्मचारी और जनता के हित में, कि आप हमारे से बातचीत करें, बातचीत का रास्ता दें और जो इस बातचीत से समाधान निकले हम उस समाधान को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन समाधान की हमारी शर्त एक ही है और कोई भी शर्त नहीं है। जो हमारी नई बसें हैं वो अपनी यथास्थिति में वैसे अंबाले में रहनी चाहिए। जैसे अभी 650 बसें और आने का जो प्रपोजल सरकार का चला हुआ है, जिस डिपो में कम है उनको दे दो बसें, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसका, क्योंकि आज तक तो अंबाला डिपो का जो फ्लीट है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जब अब तक सबसे पुराना डिपो होने के बाद में हमारी ये हालत कर रखी है और हमारे यहीं से परिवहन मंत्री मुख्यमंत्री साहब हमारे हैं और अब भी हमारे साथ ही अन्याय है, तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई मेरे कर्मचारी मेरी जनता के लिए आवाम के लिए लड़ रहे हैं। वी साहब बोलते हैं कि हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर मैं बस चलाऊंगा, तो जो कुछ बसें ठीक होंगी तभी तो जाएंगी ना वो। अब यहाँ से बसें जाएंगी वो जाके बाहर खराब होगी, टोचन करके अंदर आएंगी, मिस्त्री यहाँ परेशान होगी, वर्कशॉप की हालत बहुत खराब हो रखी है, वर्कशॉप में कर्मचारियों को रहना बदतर हो रखा है, यहाँ पर पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है, लैटरिन बाथरूम का बुरा हाल हो रखा है, प्रशासन की कोई भी नज़र नहीं है। अभी सुनने में आया कि GM साहब बोल रहे हैं कि मैं छुट्टी पे हूँ,
परिवहन मंत्री साहब की तबीयत खराब है, जो उनसे नीचे भी तो अधिकारी आते हैं, बहुत अधिकारी आते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अब तक एक मिनट या दो मिनट का यह संज्ञान नहीं लिया कि आप आओ बातचीत करो। ये चाह रहे हैं कि हमारे जो अम्बाला डिपो की हालात है हम बद से बदतर करें और हमारे को उस काम पे खड़ा करना चाह रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। कि अगली कार्रवाई ये रहेगी सर, अभी जैसे हम एक दो घंटा और वेट करेंगे, उसके बाद में साझा मीटिंग करेंगे बैठ के अम्बाला की, और जैसे मीटिंग अपना जो भी ठोस निर्णय लेगी उस निर्णय को तुरंत चंद ही सेकंडों में अपने तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो भी फैसला उसमें गेट बंद करने तक की नो बता सकती है, और अनिश्चित काल अगर हमारे को चलना पड़ा अल्टीमेट देके परिवहन मंत्री साहब को, क्योंकि जब नीचे वाला नहीं सुन रहा है एक बार वहां सूचना बचा के फिर हम यहां पर अनिश्चित काल धरने के लिए बैठने के लिए तैयार है। तीन दिन पहले महानिदेशक महोदय ने BS6 की बसों को NCR से में भेजने के लिए, जिन डिपो में BS6 की बसें हैं और उन डिपो में भेजने के लिए आदेश जारी करें, कहां पर NCR का पड़ता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 650 बसें जो सरकार खरीदने वाली है उन सभी में वो BS6 की बसें हैं आएंगी, उन सभी डिपो में जो NCR के डिपो हैं उनमें वो बसें भेजी जाए, और जो ये बसें अब वर्तमान में भेजी जा रही है एक दूसरे डिपो में, हम सरकार से मांग करते हैं ये फैसला रद्द करें, क्योंकि जो लीलैंड के डिपो है उन बसों को मर्सिडी के डिपो में भेजा जा रहा है। वर्तमान का उदाहरण अम्बाला डिपो में जो 10 बसें आई हैं वो लीलैंड की बसें हैं, और ये जो अम्बाला डिपो है ये टाटा का डिपो है, यहाँ पर स्पेयर पार्ट की भी समस्या आएगी और उनको ठीक करने में समस्या आएगी। तो प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो आने वाले 650 बसें सरकार जो खरीदने का प्रस्ताव है वो उन NCR के डिपो में भेजे और ये फैसला रद्द करें, क्योंकि यहाँ हमारे अम्बाला डिपो में सबसे ज्यादा हिल का एरिया है, और हिल में पुरानी अगर बसें भेजेंगे तो जनता के साथ खिलवाड़ होगा। तो हम नहीं चाहते कि भी कोई इनको ऐसी अनहोनी हो, उससे पहले प्रशासन ये मांग करते हैं कि इन ये जो बसें यहाँ लीलैंड की बसें लेने का निर्णय है और जो पुरानी बसें यहाँ लेने का निर्णय है इसको रद्द किया जाए, जो कि तो रखी जाए 650 बसें जो सरकार लेने वाली है उनको उन्हें NCR के डिपो भेजे जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।